हिमाचल में बंदरों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। पिछले 7 साल के दौरान हिमाचल में बंदरों की संख्या 3.5 लाख से घटकर 1.36 लाख रह गई है। राज्य में बंदरों की आबादी में 50% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा उनकी औसत मंडली का आकार भी कम हो गया है। हिमाचल में 71वां वीक मनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले वन्य प्राणी सप्ताह में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें मैराथन, बाइक रैली, ग्रीन फिल्म मेकिंग, बुक फेस्टिवल और वन्य प्राणी से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जा रही है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में हमारे पास बंदरों की समस्या आती है मुख्य। इसके अलावा हमारे पास काला भालू द्वारा फलों को नष्ट करने या कृषि को नष्ट करने की समस्या आती है, और तीसरा जो है वो कई बार जो है बाघ द्वारा जानमाल का नुकसान, तेंदुए द्वारा जानमाल का नुकसान के बारे में, ये मुख्य हमारे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। और जहाँ तक बंदरों का प्रश्न है, पिछले 15 वर्ष से स्टरलाइजेशन, मंकी स्टरलाइजेशन प्रोग्राम विभाग चला रहा है। हमने पिछले वर्ष तक लगभग 1,76,000 बंदरों को स्टरलाइज किया है, और हमारे पास जो हमारा मंकी एस्टिमेशन चलता है हर 3 से 4 साल के बीच में, उसका आंकड़ा ये दर्शा रहा है कि लगातार बंदरों की संख्या में कमी आ रही है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।